दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने रविवार को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल ने भाषण की शुरुआत भारत माता की जय के नारे के साथ की है। एक रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हरियाणा के कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने एक रैली को संबोधित किया है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि मुझे तब सबसे ज्यादा अच्छा लगता है जब लोग मुझे हरियाणा का लाल कहते हैं। हरियाणा मेरी जन्मभूमि है और यहाँ माँ का सम्मान होता है। उन्होंने आगे कहा कि माँ और जन्मभूमि का कर्ज आदमी सात जन्म में नहीं चुका सकता। सीएम ने आगे बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लोग कह रहे हैं कि दिल्ली और पंजाब से हरियाणा में तूफान आया था। उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा में और बड़ा तूफान आने वाला है। सबसे अच्छा तब लगता है जब लोग मेरे को हरियाणा का लाल बोलते हैं। हरियाणा मेरी जन्मभूमि है और जन्मभूमि मां के समान होती है। मां का कर्जा आदमी सात जन्म में भी नहीं चुका सकता। जन्मभूमि का कर्जा आदमी सात जन्म में भी नहीं चुका सकता। आज मुझे बेहद खुशी है अपनी जन्मभूमि में कुरुक्षेत्र की धर्मभूमि में आज यहां पे आपके बीच में आके सबसे पहले अभी बता रहे थे कि कल तूफान आया था। यह शुभ संकेत है। तो दोस्तों, त्रेता युग में रामचंद्र जी ने रावण का घमंड तोड़ा था। द्वापर युग में कृष्ण जी ने कंस का घमंड तोड़ा था और कलयुग में किसानों ने भाजपाइयों का घमंड तोड़ा था। अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि मैं बीजेपी को चैलेंज करता हूं कि 2022 का चुनाव खट्टर साहब के साथ लड़ा कर दिखाओ। खट्टर सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा में सारे पेपर लीक हो जाते हैं, खट्टर साहब आपसे एक पेपर नहीं कराए जाते हैं, सरकार क्या चलाएंगे। गुजरात हिमाचल में भी सारे पेपर लीक हो रहे हैं। गिनीज बुक में सबसे ज्यादा पेपर लीक कराने वाली पार्टी में बीजेपी का नाम लिखा जा रहा है। कि ये बीजेपी वाले खट्टर साहब को हटा रहे हैं, कोई दूसरा सीएम ला रहे हैं, ऐसा है क्या? सुना आप लोगों ने भी, कह रहे खट्टर साहब को हटा के दूसरा सीएम ला रहे हैं। क्यों? खट्टर साहब भ्रष्टाचारी हैं क्या? खट्टर साहब काम नहीं करते क्या? मैं बीजेपी को चैलेंज करना चाहता हूं, हिम्मत है तो 2024 का चुनाव खट्टर साहब के साथ लड़के दिखाओ तुम। अभी मेरे को एक भाई बता रहा था हरियाणा में सारे पेपर लीक हो जाते हैं, जितने भर्तियों के पेपर होते हैं सारे लीक, ऐसा है क्या जी? ये मेरे को एक लिस्ट दी है एक भाई ने। ये 2020 में HSCC जूनियर ड्राफ्टमैन का पेपर लीक हो गया, 2020 में ही हरियाणा पुलिस भर्ती का पेपर लीक हो गया, 2021 में पेपर पुलिस भर्ती का फेयर पेपर लीक हो गया, 2021 में कुरुक्षेत्र स्वास्थ्य विभाग का पेपर लीक हो गया, 2022 में HSSC पद की भर्ती का पेपर लीक हो गया, 2022 में ही ग्राम सचिव और पटवारी की भर्ती का पेपर लीक हो गया, 2022 में ही TGT भर्ती का पेपर लीक हो गया, 2022 में ही डेंटल सर्जन की भर्ती का पेपर। खट्टर साहब आपसे एक पेपर नहीं कराए जाते, सरकार क्या चलाओगे? हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनाव से पहले राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। नगर निगम और 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने कुरुक्षेत्र को चुना है। हरियाणा में आपकी मजबूती ने प्रतिद्वंदियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आप नेताओं ने दावा किया है कि कुरुक्षेत्र की रैली गेम चेंजर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।